अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास डाइवा के कुछ रॉड्स आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मॉडल्स हैं। खासकर डाइवा ही है, बाकी तो नहीं है, सिर्फ डाइवा ही आया है। बस देख लेते हैं कौन से मॉडल्स हैं इसमें। तो फर्स्ट निकला है डाइवा डी वेव। ये बहुत बार मैं लेके आया हूँ और बहुत बार आप लोग वीडियोस भी देख चुके हैं इसके, खास कर ये रॉड के, क्योंकि फ्रेंडली बजट है और रॉड एकदम बेहतरीन रॉड है। देखिए डाइवा डी वेव 7 फीट में बहुत बेहतरीन रॉड है और बहुत स्ट्रेंथ रॉड बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। जैसे डाइवा डी वेव, तो इसका कास्टिंग वेट भी देख सकते हैं और रॉड वेट भी देख सकते हैं। तो डाइवा डी वेव 7 फीट में, तो इसके गाइड्स भी देख सकते हैं। के गाइड्स मीन्स आप सॉल्ट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। के गाइड्स उतना जल्दी रश नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। और बहुत अच्छा रॉड है और इसके बारे में कुछ बोले जैसा नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन रॉड है, आप ले सकते हैं डाइवा डी वेव। इसमें 7 फीट 8 फीट 9 फीट शायद 3 साइज़ में अवेलेबल होंगे, तो 7 फीट आप देख लिए। हाँ, बाकी डिटेल्स जो है, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूँ ये रॉड्स के बारे में, तो इसीलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस जो स्टॉक आया देख लेते हैं। और इसमें डाइवा डी वेव 8 फीट जैसे स्पिनिंग कार फिशिंग हर किसी के लिए चल जाएगा। हाँ, लेकिन इसका क्या है, गाइड्स 8 फीट के थोड़े बड़े आते हैं, तो शायद ये शिपिंग चार्जेस में ज़्यादा लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं डाइवा डी वेव, और मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन वियतनाम है। और इसका कास्टिंग वेट, इसका लाइन रेटिंग सब देख सकते हैं आप। और डाइवा डी वेव ये आता है 8 फीट में, और इसका डिज़ाइन जैसे वाइट कलर यहाँ पे और बाकी सब ब्लैक कलर में, ब्लैक भी नहीं बोल सकते ये भी नहीं बोल सकते। बहुत बेहतरीन रॉड है। बहुत लोग डाइवा सुपीरियर मांग रहे हैं, डाइवा सुपीरियर मैं खुद 3 महीने से वेटिंग कर रहा हूँ, तो स्टॉक नहीं मिल रहा है। आप उसके पीछे मत रहिए, आप लोग ये रॉड्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। कंपेयर टू डाइवा सुपीरियर, डाइवा डी वे बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन रॉड है, खासकर ये वाला, क्योंकि फ्रेंडली बजट है, ज़्यादा प्राइजेस नहीं है, कम प्राइज ही है, लेकिन अच्छा मूविंग भी है। ये रॉड्स बहुत जल्द ख़त्म भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं किन को पसंद आता है। तो ये क्या है, ये भी डाइवा डी वे 8 फीट है, तो हम इसको नहीं निकालेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो इसको वैसे ही छोड़ते हैं। और ये देखते हैं क्या है, हाँ डाइवा डी वेव 9 फीट जैसे सॉल्ट वाटर एंगलर और कार फिशिंग के लिए आप लोग ले सकते हैं। हाँ, फिशिंग मीन्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर होता है स्पिनिंग, सॉल्ट वाटर और ये कार फिशिंग, ये तीनों। तो चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, सेम रॉड है डिटो। बस इसके डिटेल्स जो है, जो भी डिटेल्स हैं वो मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, अपलोड ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसका कॉस्टिंग वेट लाइन रेटिंग सब देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत मायने रखता है लाइन रेटिंग, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत लोग मांगते हैं, लॉन्ग कास्ट नहीं हो रहा है, तो लाइन रेटिंग यहाँ पे उसी लिए देता है। 12 to 30 LB आप यूज़ कर रहे हैं तब वो जाके सही लॉन्ग कास्ट होता है, क्योंकि उसी लिए लाइन रेटिंग देते हैं। और मीडियम हैवी रॉड है,
और बाकी जो भी इसका डिटेल्स रहता है मैं फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे दे दूंगा, कैटलॉग पे, तो वहाँ देख सकते हैं। बस ये जैसे मैं बताया जो लॉन्ग कास्टिंग मांगते हैं, अगर ये लाइन आप सही इतना यूज़ कर रहे हैं और ल्यूर कास्टिंग जो वो कंपनी दिया है उतना क्या अंदर बाहर कुछ भी यूज़ करिए तो आप अच्छे से लॉन्ग कास्ट होगा, बहुत लोग इसका पूछ रहे थे। और एक रॉड, रॉड देखिए हमारे साजिद भाई, साजिद भाई महाराष्ट्र से, तो उनका एक सवाल था, बहुत दिनों से बता रहे थे कि आप ये रॉड कट होने की वजह बताइए। तो साजिद भाई आपके लिए और मेरे भाइयों के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं बस रॉड ये लेते हैं और यहाँ से इसको टेस्टिंग करते हैं। देखिए हम लोग करते हैं टेस्टिंग, हमें पता है कौन सा टूटता है कौन सा नहीं टूटता है, तो उसी लिए हम लोग टेस्टिंग करके बताते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं रहता, बस लेके ऐसे स्ट्रेंथ से मड़ोड़ देते हैं तो रॉड टूटता है, ज़रूर टूटेगा। ये सिर्फ मैं उंगली में ऐसे करके दो उंगली में तोड़ सकता हूँ इसको, 2 मिनट का काम है। रॉड हमारा है, सेफ्टी हमारी करना है, तो हमारा सोच के आप करिए, रॉड नहीं टूटेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से निकाल दीजिए टूटेगा, ये टूटेगा बोलने से ज़रूर टूटेगा, आप कुछ नहीं होगा बोल के खेलिए, कुछ नहीं होगा। और रॉड का स्ट्रेंथ, रॉड का स्ट्रेंथ मैं बताता हूँ, रॉड का स्ट्रेंथ बैकबोन होता है यहाँ से, पीछे से लेके यहाँ तक एंड तक पूरा स्ट्रेंथ रहता है। आप लोग मैं जैसे बोला ये सिर्फ टेस्ट करने से वो टूटता ही है, तो लाइन जब हम लाइन डाल के रील डाल के यहाँ से लेते हैं तो पूरा बॉडी स्ट्रेंथ यहाँ से पड़ता है, तो रॉड कुछ नहीं होता है, बस उसको ज़्यादा लिफ्ट मत करिए। और जब फाइट करते हैं आप मछली से तो मच्छी मच्छी अगर बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है बस होल्ड करिए, जब वो फाइट कर रहा है आप भी इधर यहाँ पे फाइट मत करिए, क्योंकि ये टेक्निक है, छोटे छोटे टेक्निक्स है मैं बता रहा हूँ। जब वो मच्छी रन हो रही है बस होल्ड कर लीजिए, वो जाने दीजिए, आपका तो पूरा लाइन यहाँ पे है, क्यों फिक्र करते हैं। बस ये सब थोड़े थोड़े चीज़ हैं, आप फॉलो करेंगे तो आपका रॉड नहीं टूटेगा। बहुत लोग क्या करते हैं मछली उधर जा रही है इधर से लेके खींचते हैं, जब वो प्रेशर दे रहा है आप लोग प्रेशर दे रहे हैं वो टूटने का चांसेस रहता है। और खासकर और एक बता रहा हूँ, जो लाइन रेटिंग, लाइन रेटिंग क्या करते हैं, अभी 30 LB इस पे है, 30 LB, आप लोग 60 LB 80 LB लाइन यूज़ कर देते हैं तो क्या होता है रॉड लाइन नहीं टूटता है लेकिन रॉड टूट जाता है, क्योंकि आपका प्रेशर के वजह से, वो मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया हूँ, कहीं भी लग जाता है कुछ भी हो जाता है, यहाँ लाइन नहीं टूट रहा है, ये लोग क्या करते हैं आप लोग ने मैं भी किया हूँ, तो डाल के जितना फोर्स हो सकता है उतना खींचते हैं तो उस समय वो रॉड टूटने का चांसेस रहता है। तो लाइन रेटिंग भी उसी लिए देता है ताकि आपका लाइन टूट जाए रॉड ना टूटे। तो बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स हैं, आप देखिए यूट्यूब हर कुछ है, थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए आप ये हो जाएंगे। तो बस ये रॉड का बताना था, बहुत लोग इसके बारे में बता रहे थे तो मैं बता चुका हूँ। तो इसमें और कुछ बताना है तो बोलिए, ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, अगर मेरे से गलती भी हो उसे भी करेक्ट करिए, उसे अगले वीडियो में हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ मेरे एक से कुछ नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे मुझे करेक्ट करेंगे तो मैं वो सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि आगे लेने वालों को आसान हो जाए, क्योंकि आप और मैं जितना जानकारी रख सकते हैं रखे हैं। हाँ हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो और कम जानकारी है, जो पता नहीं है, तो उसी लिए बता रहा हूँ, उसी लिए मैं हर बार रिव्यूज़ प्लस जानकारी पूछते ही रहता हूँ, पूछने में शर्म नहीं है मुझे, मैं पूछूंगा और बताने में भी कुछ नहीं, मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूँ। हाँ आप लोगों को और भी पता है थोड़ा बताइए, ज़रूर मैं सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सीखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, खासकर ये फिशिंग, इसमें इसका एंड नहीं है, एंड ही नहीं है सीखने में, जितना भी सीखो कम है। तो चलिए दैवा में कुछ आया है, हाँ ये वाला बैट कास्टिंग जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है बैट कास्टिंग में, और इसके रिव्यूज़ भी अभी तक मुझे नहीं मिले हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है। वाह बहुत बेहतरीन है, बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, फिनिशिंग एकदम बढ़िया है, और इसका कॉर्बन भी मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, तो इसके डिटेल्स तो निकाल लूँगा, तो आप ये देख सकते हैं ग्रिपिंग कितना अच्छा दिया है। हाँ ग्रिपिंग जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट करने के लिए ये सब फॉर्म सब निकाल देते हैं ताकि आपका रॉड लाइट वेट हो जाए, तो ये देख सकते हैं
दईवा दईवा ये आपका वो जो फिटिंग रील फिट ये देख सकते हैं। और इसके बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं लुंगन, ये मुझे नहीं आ रहा है, 6.62 दिया है, तो मैं इसका डिटेल बताता हूँ। और एमबी जो भी है वो भी मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ। और इसका कॉस्टिंग वेट, हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, थोड़ा देख लेता हूँ। 8 to 17 LB, 8 से 17 LB तक लाइन रेटिंग दिया है। कॉस्टिंग वेट 7 ग्राम टू 21 ग्राम, 7 ग्राम टू 120 ग्राम। मीन्स आप फ्रॉग स्पिनर्स सबसे बेहतर रॉड बोल सकता हूँ लॉन्ग कास्टिंग के लिए। और पूरा दिन आप लोग इसमें कास्टिंग करिए, शायद आपको शोल्डर पेन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। हाँ फ्लेक्सिबल भी है, बहुत लॉन्ग कास्ट करेगा, 110 या 120 ग्राम होगा रॉड का वेट, बस उतना ही है। क्योंकि मैं तो चेक नहीं किया, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये आता है सिंगल लेग फ्रंट का, तो सिंगल लेग है। जैसे मैं बोला जितना वेट कम करना चाहते हैं वो कहीं से भी चुन चुन के कम कर देते हैं, ताकि आपका रॉड बहुत लाइट वेट हो जाए। बढ़िया है, बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे रॉड। हाँ जितना ये भी बताता हूँ, ये लाइट वेट प्लस इसका जो टिप है, टिप आप देख सकते हैं ये कितना पतला रहता है टिप। हाँ ये तो उतने आसान से नहीं टूटता है, क्योंकि मेरा जो रॉड है इससे भी पतला है। मैं इसमें 10-12 किलो तक भी लैंड किया हूँ, आज तक मेरा रॉड कुछ नहीं हुआ है। बस जैसे मैं बताया वो फॉलो करिए, कुछ नहीं होगा, बस लिफ्टिंग मत करिए। और जैसे मैं बोला फिश के साथ फाइट, जब वो फाइट कर रहा है उसको छोड़िए, आराम से उसको लीजिए, कुछ नहीं होगा। बस ये बैट कास्टिंग रॉड्स है, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया है तो फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ रहता है अच्छा ही लगता है मुझे। बाद में इसके रिव्यूज़ देखने के बाद थोड़ा मूड ऑफ होता हूँ, फिर भी देखते हैं क्या रिव्यूज़ है इसमें। और नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बेहतरीन रॉड है, बहुत वेट था इसका मेरे लिए, बहुत दिनों से वेट कर रहा था। चलिए ये भी आ चुका है, तो ये रॉड देखिए, ये भी बहुत लाइट वेट रॉड है। हाँ इस बार प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, तो ओल्ड प्राइस नहीं रहेगा। शायद आप लोग ओल्ड वीडियो देख के भी प्राइस भेज सकते हैं, तो वो क्योंकि अभी मैं डाइवा अपलोड कर रहा हूँ तो इसके फीचर डाइवा टैग मीन्स क्या होता है, जितने ओल्ड वीडियोस है वो पूरे टॉप में आपको दिखाता है जब टैग करते हैं हम, तो उसी वजह से ओल्ड प्राइस ओल्ड रहेगा वो गया। अभी जो नया प्राइस है वो स्क्रीन पे रहेगा। हर रॉड्स के डाइवा जो भी मॉडल्स हैं, हर रॉड्स के पूरे प्राइजेस चेंज हुए हैं, तो इंक्रीज हुए हैं, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी वाइज कंपनी जो MRP देता है वो हमें देना पड़ता है। तो डाइवा स्वाइप फायर जो कॉर्क हैंडल और मेड इन वियतनाम फायर कॉर्क हैंडल आता है, कॉर्क हैंडल ये बहुत लोग लाइक करते हैं कॉर्क हैंडल, तो यहाँ भी कॉर्क आता है। और ये आपका शीट देख सकते हैं, गाइड शीट, तो गाइड्स जैसे मैं बोला लाइट वेट, जितना लाइट वेट होता है उतना लाइट वेट करने के लिए ये बनाते हैं। और ये सिंगल गाइड्स के, खासकर सिंगल गाइड्स का जो ये होता है बहुत लॉन्ग कास्टिंग करता है आपका वो जो लाइन होता है, क्योंकि कहीं भी स्ट्रक नहीं होता है, प्लस बहुत लॉन्ग कास्टिंग करता है। तो लाइट वेट रॉड है, बहुत मस्त रॉड है। और इसका कास्टिंग वेट बताता हूँ मैं आपको, लाइन रेटिंग प्लस कास्टिंग वेट देख लीजिए। तो 7 फीट में है, 7 फीट में है। ये जो भी वो उसमें दिया है मैं वो ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं कास्टिंग वेट जो भी है, जो भी लाइन रेटिंग है सब। तो इसमें शायद 7 फीट और 8 फीट, 7 फीट 8 फीट दोनों एक ही बॉक्स में होंगे, फिर भी देख लेते हैं। हाँ 8 फीट सेम रॉड है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। बस इसका वेट प्राइस सब मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस बीच बहुत लंबा लंबा वीडियो जा रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट करूँ, क्योंकि ताकि आपको भी थोड़ा बोर ना हो। तो बस वो हो गया, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। इसमें बहुत सारे हैं, तो
डाइवा स्ट्राइक फोर्स, सॉरी डाइवा सफारी, जुपिटर सफारी। तो जुपिटर सफारी ये रेगुलर रॉड है, बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन मीन्स बहुत बेहतरीन ही बोलूँगा मैं, क्योंकि रेगुलर बैक टू बैक आ रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं और कुछ शिकायत नहीं है, शिकायत का मौका नहीं है ये रॉड्स में खासकर। तो आप ये देख सकते हैं जुपिटर सफारी, जैसे मैं बोला वेट कम करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्म उसको डिज़ाइन कट किया है। डाइवा जुपिटर सफारी मेड इन वियतनाम। और ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर में आता है, तो मॉडल 9 फीट का है और कास्टिंग वेट एक्शन हैवी है, लाइन रेटिंग। और इसका कास्टिंग वेट खासकर ये थोड़े मॉडल्स में नहीं देता, जैसे जुपिटर सफारी, पावर टिप, इसमें सब कास्टिंग वेट नहीं है, लेकिन 10 to 100 ग्राम कंफर्म कास्टिंग वेट रहता है, आप बेफिक्र ले सकते हैं। तो चलिए 9 फीट ये आ चुका है, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मॉडल आया। तो ये हो गया, और नेक्स्ट आया हमारे पास जुपिटर, जुपिटर पावर टिप, जुपिटर पावर टिप आया। तो चलिए, ये ब्लैक मैट फिनिशिंग में आता है और फुल फॉर्म रहता है, फुल फॉर्म रहता है ये। और यहाँ पे बिग गेम के लिए ग्रिपिंग, बिग गेम के लिए ग्रिपिंग है, बहुत मस्त ग्रिपिंग दिया है। तो जुपिटर पावर टिप, और ये आया है 8 फीट में। हाँ, इसमें शायद और भी होंगे, 9 फीट भी हो सकता है, बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, टोटली बहुत सारे रॉड्स हैं इसमें, नीचे तक हैं। तो मैं उसको खींचूंगा, गाइड्स डैमेज होंगे, मैं उसको कुछ ज़्यादा ये नहीं करूँगा। तो जुपिटर सफा पावर टिप, जुपिटर पावर टिप ब्लैक मैट फिनिशिंग, प्लस ये जो आगे का आपका ये आता है वाइट कलर में आता है, बहुत बेहतरीन रॉड है ये वाला। हाँ, लेकिन ये थोड़ा हैवी आता है, हैवी मीन्स बिग गेम के लिए बनाया है, थोड़ा वेट आता है रॉड, लेकिन बहुत बेहतरीन रॉड है जुपिटर पावर टिप। तो ये हो गया। हाँ, इसमें साइजेस जो भी है स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो भी साइज रहेगा वो स्क्रीन पे मिल जाएगा विथ प्राइस, क्योंकि एक दो छूट जाते हैं तो उसी लिए। और उसके बाद हमारे पास आया है ये वाला रॉड, बहुत बेहतरीन, बहुत हेवी रॉड है ये, बहुत हेवी मीन्स 40 किलो, 40 किलो स्ट्रिंगले लैंडिंग में देखा हूँ। ये मेरे दोस्त चेन्नई से मेरे दोस्त हैं जो ये रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो 40 किलो स्ट्रिंगले लैंड किए। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 2 साल के करीब, वो उन्होंने मुझे शेयर भी किया था वीडियोस, तो वो पूरे डिलीट हो चुके हैं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ याद है, अगर YouTube में मिल गया तो मैं ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि उनका भी चैनल है मेरे दोस्त का। तो चलिए, ये देख सकते हैं आप, थ्री जॉइंट में आता है, 12 13 फीट, 13 फीट का रॉड है, बहुत हेवी है, छोटा मोटा रॉड नहीं है, बहुत हेवी है। तो ये देख सकते हैं, और इसका सी लाइन 13 फीट MHF, इसके डिटेल सब मैं व्हाट्सएप पे अपलोड किया हूँ, कल लिंक ओपन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका कास्टिंग वेट ओज में दिया है, तो वो ट्रांसलेट करके मैं ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं, समझ लीजिए। देखिए, ये आगे का टिप है, फ्रंट टिप, और नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड टिप। सेकेंड टिप आप देख सक रहे हैं मेरा हाथ, हाथ में कितना मोटा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सेकेंड टिप। तो थर्ड टिप आप ये देख सकते हैं कितना हेवी है, बहुत हेवी है, बहुत हेवी है। तो ये देख सकते हैं, आपको क्लियरली बताने के लिए, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं लेते समय, 13 फीट मतलब बस आप लोग को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये फोन में पता नहीं चलता, मुझे पता है, फिर भी आप लेने से पहले मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या साइज में है पूरा। और इसके साथ बहुत बेहतरीन रील, आप अगर कॉम्बो लेना चाह रहे हैं तो टीका, टीका का जो इजी कॉस्ट मैं पिछला वीडियो में बताया था, आप लॉन्ग कॉस्ट आप ये रील ले सकते हैं अगर आप कॉम्बो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्फ रील है, बहुत बेहतरीन रील है ये, रील और रॉड को कॉम्बो मस्त मैच होगा। तो चलिए, मैं वो रील भी बताता हूँ आपको। रील
देखिए मैं यही बता रहा था, खासकर ये रील बनते हैं उसी लिए, लॉन्ग कास्ट के लिए। तो ये बेस्ट कॉम्बो है रॉड और रील, क्योंकि इसमें लाइन तकरीबन 500 मीटर आ जाएगा, और ये स्पूल स्पूल ये लेंथ होने के वजह से बहुत लॉन्ग कास्ट करता है। और जैसे मैं बोला 40 किलो तक स्ट्रिंगले मेरा फ्रेंड निकाल चुका है, ये आंक मुझ के ले सकते हैं। जो सर्फ फिशिंग करते हैं सॉल्ट वाटर के लिए, उन लोगों के लिए ये रॉड है। बाकी मैं नहीं सोच सकता कि कार फिशिंग को उसको सब चलेगा। हाँ 40 किलो 50 किलो अगर रोहू कतला है आप लोग ले सकते हैं फाइट करने के लिए, तो मैं इतना बोल सकता हूँ। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि फ्रेश वाटर रॉड है, सॉल्ट वाटर रॉड है तो सॉल्ट वाटर ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जितना रॉड आपका हैवी होता है, लेंथ होता है, उतना लॉन्ग कास्ट करता है। तो ये बेस्ट कॉम्बो है, आप रॉड और रील अगर कॉम्बो लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, नहीं तो रॉड ले सकते हैं। और इसका प्राइस जो भी है मैं स्क्रीन पे अपलोड कर दूंगा। हाँ कंफ्यूज मत होइए प्लीज़, मैं बता रहा हूँ बस आपको बताने के लिए मैं वो रील लगाया हूँ। आप ये मत सोचिए रील रॉड दोनों प्राइस हाई बोल के, क्योंकि बस मैं शो करने के लिए वो रील लगाया हूँ। बहुत लोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, अनजाने में करते हैं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा काम है बोलना, ऐसे मत करिए। जो हम क्लियरली, मैं इतना एक्सप्लेन करके क्लियरली बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ रॉड का प्राइस रहेगा, बस मैं वो बताया था कॉम्बो। आप लोग शायद वो स्किप कर देते वीडियो, उसीलिए आप लोग वो गलती भी करते होंगे। चलिए आपका चॉइस है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस आज के लिए डाइवा के रॉड्स, तो डाइवा का रॉड्स जो भी बाई चांस मिसिंग हुआ है तो चेक करके मैं स्क्रीन पे प्राइस दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। शायद बकरीद बकरीद के 3 डेज 3 डेज शायद हॉलीडे रहेगा, क्योंकि फिशिंग प्लान बना रहे हैं हम, तो उसी लिए उस समय तक आप लोग जो भी चाहिए ले सकते हैं। मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी 2-3 डेज में वीडियो फिर आ जाएगा तो आपको क्लियरेंस दे देता हूँ मैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मैसेज देना था, भूल गया मैं, तो कोरियर चार्जेस, जो पहले कोरियर चार्जेस होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि रेगुलर आप लोग मुझसे ले चुके हैं, तो मैं बता रहा हूँ अभी वो चार्जेस नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करके सीधे DTDC एम्प्लॉय सबसे बात करके कोरियर चार्जेस बहुत कम किए हैं, बहुत कम मत बहुत कम, आप लोग बुकिंग करके देख सकते हैं। जैसे समझ लीजिए 650 650 PVC पाइप मिला के, जैसे महाराष्ट्र अरुणाचल प्रदेश कहीं भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस 650 रुपीज़ 7 फीट रॉड को चार्जर्स आता था, तो अभी शायद उसमें आधा चार्जर्स होगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये ऑलरेडी 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, लेकिन जब तक मैं रॉड नहीं बताया तब तक किसी को बोला नहीं, क्योंकि आने के बाद क्लियरली बता सकूँ बहुत ज़्यादा चार्जर्स होते थे, जैसे कर्नाटका तमिलनाडु केरला के ये TN ये सब एक ही है, एक ही चार्जर्स है, कर्नाटका ऑल ओवर कर्नाटका, तो वो एक ही चार्जर्स रहता है। और तो नॉर्थ साउथ वो एक ही चार्जर्स होता है, तो नॉर्थ साउथ जो भी स्टेट हो सब एक ही चार्जर्स रहेगा। लेकिन अगर इंडियन पोस्ट में DTDC में सर्विस नहीं है और इंडियन पोस्ट में आपका सर्विस है तो सेम चार्जर्स रहेंगे जो पहले आपको चार्जर्स लगते थे, लेकिन DTDC में जो लिए हैं उनको चार्जर्स बहुत कम पड़ेंगे रॉड्स के, इसके बाद बहुत कम आधा प्राइस हो गया है। तो आप लोग, हाँ आप अगर 2 रॉड 3 रॉड लेते थे तो सेम चार्जर्स होता था पहले, लेकिन अभी वैसा नहीं है, इसको हम वो ये करके वेट वेट में ये कर दिए हैं, ट्रांसलेट कर दिए हैं। तो क्या हो गया, अभी 2 रॉड लेंगे तो प्राइस ज़्यादा होगा कोरियर के, तो ऐसे किए हैं क्योंकि बहुत लोग एक ही लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम सोच के किए हैं उनसे बात करके। अभी इसमें 2-3 ऐड करेंगे थोड़े ज़्यादा हो जाएगा चार्जर्स, बहुत कम चार्जर्स हुआ है, आप बेफिक्र इसके बाद बुकिंग करिए। बहुत लोग ये चार्ज के वजह से ही बहुत कम हो गया था रॉड्स बुकिंग करना, बाकी सब तो बहुत चलता था, सब लोग बोल रहे थे सब कुछ ला रहे हो रॉड नहीं ला रहे हो। रॉड लाने नहीं लाने की वजह यही थी, क्योंकि रॉड्स मेरे पास अभी भी तकरीबन 500 रॉड्स हैं, बस जो लुकाना ये वो बहुत सारा पड़ा है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर किसी को जो ज़रूरतमंद चीज़ है यही से मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते, करता हूँ मैं। छोड़िए,
बस ये एक मैसेज देना था आपके लिए, तो आप देख लीजिए, कल से कोरियर चार्जेस बहुत कम रहेंगे, तो आप लोग बुक कीजिए। कोरियर चार्जेस अभी ज़्यादा नहीं आएंगे, वो हम बात कर लिए हैं। बस इंडियन पोस्ट जैसे मैं बोला, वहाँ चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर, वो लोग तो कुछ सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सीधे सीधे वो जो ट्रैकिंग है उसका चेक भी करके नहीं देते हैं, तो मुझे इंडियन पोस्ट से नफरत है। मुझे सबसे अच्छा है DTDC, जो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं वो लोग। चलिए बढ़िया है, क्योंकि देखिए ट्रैकिंग नंबर हम फॉरवर्ड करके बस उनको पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, तो तुरंत 2 मिनट में वो लोग रिप्लाई दे देते हैं, जो भी है पूरा डेटा देते हैं। इंडियन पोस्ट में वैसे कुछ नहीं मिलता है, जब तक आप लोगों के पास नहीं पहुँचता तब तक हम भी यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। काम करना है, इंडियन पोस्ट में भी करना है, इसमें भी करना है, क्योंकि वहाँ पे सर्विस नहीं है तो उसी में भेजना पड़ता है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।